ॐ नमो नारायणाय, 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 ॐ नमो नारायणाय। एक गयासुर नाम का राक्षस था, वो विष्णु का नारायण का तप करता था। तप करते करते उसका शरीर बहुत पवित्र हो गया। तो भगवान प्रसन्न होकर उसको अमर का वरदान दिया। तो अमर का वरदान के बाद में विष्णु से वो बोला कि प्रभु, मैं इस क्षेत्र में आपका स्मरण कर रहा हूँ, आपके अमर का प्रसाद हमें प्राप्त हुआ है, लेकिन हमें एक और वरदान दे कि जो भी यहाँ पे पाप कर्म करेगा और हमारे शरीर को जो भी स्पर्श करेगा वो पाप उसका परिहार होना चाहिए। तथास्तु भगवान विष्णु ने उनको आशीर्वाद दिया। तो उस समय में द्वापर त्रेता युग में राक्षस वगैरह जितने भी थे तो पाप कर्म करने के बाद में गयासुर राक्षस को स्पर्श कर लेते थे। स्पर्श करने से उनको सारी जो भी पाप थी वो संपूर्ण नष्ट हो जाता था, निवारण हो जाता था। तो ये सृष्टि ब्रह्मा का बनाया हुआ ये सृष्टि था और ये सृष्टि का नाश होने लगा। तो फिर से सभी देवता विष्णु के पास में गए, जो आपने गयासुर राक्षस को वरदान दिया है तो जो भी जो कोई पाप कर्म करते हैं उस पाप कर्म करने के बाद में असुर को शरीर को छूने के बाद में उन्हें मोक्ष प्रदान होता है, तो इसका अति शीघ्र आप उपाय कीजिए। तो फिर से वो भगवान विष्णु गयासुर राक्षस के पास आए। उन्होंने बताया कि तुम्हें जो मैंने वरदान दिया है वो वरदान से ये सृष्टि का नाश हो जाएगा, इसलिए तुम इस पृथ्वी पे सो जाओ और मैं गदाधर रूप लेकर तुम्हारे हृदय पर एक अपना पदचिन्ह लगाता हूँ और वो पदचिन्ह से तुम नीचे पाताल में चले जाओ, इसलिए जो भी पाप कर्म करेंगे वो तुम्हें स्पर्श नहीं करेंगे। तथा अस्तु भगवान ने उसको वरदान दिया। उसके बाद में भगवान को प्रार्थना करके सो गया। सोने के बाद में वो भगवान विष्णु उसको पदचिन्ह से अपना पैर से जमीन भूमि के नीचे उनको डाल दिया। डालने के बाद में गयासुर फिर से उनको बोलता है, प्रभु आपने हमें अमर का वरदान दिया है तो मैं जीवित कैसे रहूँगा, मैं तो सोया हूँ, मुझे भोजन चाहिए, आहार चाहिए। तो उन्होंने बताया कि जब तक सूर्य और चंद्र रहेंगे तब तक इस क्षेत्र में तुम्हारे शरीर के ऊपर हमारे पाद के ऊपर में प्रतिदिन एक पिंड मिलेगा और वो पिंड स्वरूप तुम उसको भोजन स्वरूप मानकर प्रतिदिन भोजन करना और तृप्त होना, और जो भी पिंड दान करने के बाद में अपने मस्तक देकर विष्णुपाद के ऊपर में नमस्कार करेंगे या अपने हाथ से अपने विष्णुपाद को नमस्कार करेंगे तो उनका कोटि जन्म का पाप परिहार होना चाहिए। कोटि जन्मार्जित पाप विष्णु लोक सगच्छते स्पर्शनाथ पापनाशनम, ऐसा बताया। तो जो भी यहाँ पे अपने पूर्वजों के नाम से पितरों के नाम से पिंडदान करने के लिए गया में आते हैं तो ये भूलोक में किसी भी जगह पे आप श्राद्ध करेंगे तो गया 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 करके ही श्राद्ध होता है। तो पिंड देने का गया हेड ऑफिस, बाकी ब्रांच कहीं करे या नहीं करे गया में करने से ही पितृलोक को मोक्ष होता है, पितृदोष निवारण होता है। और विष्णुपाद के ऊपर में जो भी नमस्कार करेंगे उनका कोटि जन्म का पाप परिहार होता है, नष्ट होता है। तो इधर से गया श्राद्ध करने के बाद में जीवन सार्थक हो जाता है और घर जाने के बाद में सात्विक रूप में रहना है, किसी का निंदन नहीं करना, ब्राह्मणों का निंदन नहीं करना, कोई अपराध नहीं करना, अगर क्रोध आए तो क्रोध को कंट्रोल करना, ऐसा सात्विक जीवन बिताना होता है।
ये गयासुर राक्षस का वरदान मिलने के कारण ये पितृभूमि बना है और गयासुर राक्षस के नाम से ही इस जगह का नाम गया पड़ा है। इसका नाम पहले गया क्षेत्र का मधुवन था, तो भगवान ने उसको तीन वरदान दिया कि मैं तुम्हें तीन वरदान प्रदान करता हूँ। पहले तुम्हारे नाम से इस जगह का नाम मैं गया रखता हूँ और दूसरा वरदान ये पितृभूमि है, जो कोई भी यहाँ पर इस क्षेत्र में आएंगे तो अपना पैर भी अगर इस भूमि पर रखते हैं तो भी पितृलोक को मोक्ष होना चाहिए। तीसरा वरदान मांगा कि जो भी पिंड देने के बाद में पाद को स्पर्श करके नमस्कार करेंगे उनका कोटि जन्म का पाप परिहार होना चाहिए, तथा अस्तु भगवान ने वरदान देकर उनको मोक्ष दिया। और यहाँ पे 45 प्लेस है गया श्राद्ध करने की जगह है, उसको बोलते हैं अष्ट गया श्राद्ध, वो 8 दिन में सभी जगह श्राद्ध करना होता है। तो ये महालय पितृपक्ष में सभी लोग आकर ये पिंडदान सभी 45 वेदी 45 प्लेस में वो पिंडदान करते हैं इधर में रह के। उसमें सभी प्रत्यक्ष दान होते हैं, सैया दान होती है, गौ दान होती है, अन्नदान होती है, वर्षासन दान होती है, स्वर्ण दान होती है, रजत दान होती है, दस दान होती है, वस्त्र दान होती है, ब्राह्मणों की भोजन होती है। तो जिनको जो श्रद्धा और शक्ति होता है वो तो अपने पितरों के नाम से यहाँ पर दान करते हैं और लास्ट में अक्षयवट में श्राद्ध होने के बाद उनका संपन्न होता है। श्राद्ध संपन्न होने के बाद में इधर गया ब्राह्मण से उनको आशीर्वाद लिया जाता है और जब तक गया ब्राह्मण उनको आशीर्वाद नहीं देते तब तक उनका गया श्राद्ध संपूर्ण नहीं होता है। गदाधर जो बोलते हैं ना, पूरे भारतवर्ष में जहाँ भी श्राद्ध करते हैं तो सबसे पहले गदाधर का नाम लेते हैं, बोलते हैं श्राद्ध काल है ज्ञान धात्वा धात्वा देवा गदाधर, तभी श्राद्ध आरंभ होता है माता। अब गया में आने के बाद यहाँ 54 वेदी है जहाँ पिंड दान होता है, जिसमें 9 जगह तर्पण है, 45 जगह पिंड दान है। यहाँ भगवान का अभिषेक है, पंचामृत स्नान जो पितरों का मोक्ष देते है, मात्र इनके दर्शन से पितरों का मुक्ति मिलता है, ठीक है ना। भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेके वो गयासुर को दाहिना पांव से दबाए, यही गया गदा माता लक्ष्मी है, वहाँ पादम है, यहाँ शरीर है, जाइए चरण स्पर्श करना है फिर लेके आप लोग खड़ा। ओम नमो नारायण Ooh. Mm-hmm.